अचानक पवन जी के टीम में आने का क्या कारण? कारण तो क्या है कि अभी जगह जगह दिखाया जाता है, हाँ, तो थोड़ा सोचता है कि सब लोग मजबूरी नहीं है, तो हम को लगा कुछ ऐसा, तो मैं टीम क्या भैया के दिल में वैसा टीम से क्या होता है, दिल में उनके सारे दिए हमने डाले हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और स्वागत करता हूँ भोजपुरी कनेक्शन न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ मुंबई में मौजूद है राजीव शर्मा जी, जो कि खेसारी जी के टीम में थे, और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं भैया से। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रणाम अटल भाई, कौन न्यूज होता है? भोजपुरी कलेक्शन। भोजपुरी कलेक्शन देखता हूँ जी। शुरुआत कैसे हो, जनरेशन आपका मतलब बायोग्राफी, आप शुरुआत भोजपुरी में से शुरुआत? मेरा शुरुआत विकास वीरप्पन जी के द्वारा। अच्छा, मनोज तिवारी का मैनेजर है। हाँ, वो मुझे पहली बार खेसारी भैया जब मुजफ्फरपुर में गए थे, राजीव चले गया चला गया था वहाँ जाके, मैंने किया तो भैया को अच्छा लगा खेसारी भैया, चाहे वो बोले कि अच्छे बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाने जाने लगा और ग्रुप में काम करने लगा। और साथ ही में अभी टूटू जी के जो आप साथी में उनके भी जो मैनेजर हो गए हैं, कंपनी खोले हैं तो हमारा सपोर्ट करते हैं, सब लोग मिलकर करता है, तो आदमी टुटू जी के साथ थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखता है, जो सपोर्ट करेगा भैया उसने क्या टुनटुन जी का आपके चैनल द्वारा कुछ गाना है? हाँ, अभी दो चार दिन में मेरा एक गाना आया। हाँ, पोस्टर के लिए लॉन्च हो गया है, आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ज्ञान की फिल्म से बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, हमको लगता है इसको बहुत बड़े बता करो। सर, यहाँ पे अभी मुंबई में टुनटुन यारू जी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे गाने शूटिंग हो रहे हैं, पाँच से छः दिन लगभग हो रहा है, कितने गाने हैं लगभग? दस गाना हो गया है, दस गाना आज दस गाना कम्प्लीट हो चुका है, चार गाना और आठ गाना और बाकी, दो कंपनी के आठ गाना है, चार चार गाना टोटल अठारह गाना है। तो अभी जो ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुके हैं, दस को बीच कब तक सुन मिल सकता है? कंपनी वाले जो छोड़े कंपनी का ही जी वो है ना, अच्छा लगेगा छोड़े। और पवन जी के जैसे आप मुलाकात हुआ पहली बार, आपको कितना अच्छा? ऐसा बात नहीं है, पवन मेरे मेरी चौथी बार मुलाकात है, फोटो मैंने पहली बार ली। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया काफी बहुत तेजी से वायरल है। पवन भैया से मेरी सबसे पहली मुलाकात है, रजनीश मिश्रा डायरेक्टर है। हाँ, रजनीश मिश्रा भैया क्या हुआ था मुंबई में, आई यही मुंबई में पहली मुलाकात हुआ था। दूसरी मुलाकात पवन भैया से हुआ था खेसारी भैया के बर्थडे पे हुआ था। पटना में हुआ था, चौथी मुलाकात थी। सर देखा भैया, देखा जाए तो भोजपुरी नेशन में अक्सर पवन जी को और खेसारी जी का अक्सर देखा जाए तो बहुत कंट्रोवर्सी होता है। भाई देखिए, हाँ, दो बड़े स्टार हैं। हाँ, तो ये दोनों हमेशा चाहेंगे कि हम आगे तो हम आगे, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे। कुछ लोग बोलते हैं नंबर वन है खेसारी जी, नंबर टू है पवन जी, ऐसा क्या? क्योंकि सीनियर है पवन भैया तो नंबर वन है और बड़े हैं। अचानक पवन जी के टीम में आने का क्या कारण? ठीक है, कारण तो क्या है कि आदमी जगह जगह दिखाया जाता है, हाँ, थोड़ा सा सोचता है कि सब लोग मजबूरी नहीं है, तो हम लगा कुछ ऐसा, तो मैं टीम क्या भैया के दिल में वैसा ही टीम से क्या होता है, दिल में हम खेसारी भैया के हमने गार्जियन हैं,
से सम्मान करता हूँ, जीवन सम्मान रहेगा। भैया अभी कुछ लोग बोला था कि पवन जी के टीम में क्यों चले गए, खेसारी जी के फैंस बहुत बोल रहे थे कि क्या रही पवन जी के टीम। अच्छा क्या पवन भैया के साथ अलग है? नहीं एक हो गए। हाँ एक हो गए तो आप क्या पवन भैया का टीम है तो मतलब जिसे फैंस लोग बोल रहे हैं कि पवन जी और खेसारी जी एक साथ हो गए हैं और जो कि भोजपुरी में से काफी बदलाव हो रही है इसके बारे में। अच्छी बात है दोनों लोग मिलकर बदलाव कर रहे हैं, दोनों बड़े बड़े भाई हैं तो इन लोगों को अच्छी बात है लोग कॉल किए मिले हैं। कुछ लोग हैं जो लड़वाते हैं, नहीं लड़वाना चाहिए लेकिन टीम कुछ नहीं होता है। हम कंपनी के मालिक भी हैं, कंपनी भी मेरा सुधरना है इसलिए अपने चैनल पर ज़्यादा फोकस करना है। जिसको भी बोल रहे हैं बोलता है आप क्या किसके बारे में ध्यान दें पवन जी का जो थी या खेसारी जी का जो भी मार्केट बहुत ही खेसारी भैया का भी गाना है अभी मेरे पास से आएगा उसके बाद ही काफी सुनाएंगे। जी जी कोई गाना जिसे पतरे कमरिया जिंदगी भर रहिए राजा। और आज मुंबई में जब यहाँ पे आए तो आपको कौन सा लोकेशन अच्छा लगा मुंबई में सबसे ज्यादा? मड अच्छा है, हम लोग बीच भी गए थे, जो कुछ गए थे सब जगह घूमे हैं। और घूमना बाकी है, कल तो घूमना ही। अच्छा कल घूमना है, उसके बाद शूटिंग होगा। नमस्कार प्रणाम, और हम टुनटुन यादव और ये हमारे भोजपुरी कलेक्शन चैनल के न्यू चैनल के ऑपरेटर हैं, चलाते हैं, भाई ओनर हैं। तो प्लीज इनके चैनल को आप लोग देखिए और सारे भोजपुरी कलाकारों को और साथ साथ इनको भी प्यार सिला दीजिए, लव यू। आज हमारे साथ सिंगर बहुत ही बेहतरीन जो कि मर्डर करे भी काफी हिटेड गाने। देखिए यहीं पे शूटिंग हो रहा है टुनटुन यादव का गाना। एक जने हैं दो सनम सर साथ ना है गुजरात में ना होते यार। सतीश भाई से पूछा बताए ही जाना, अरे कहते सतीश भाई सुशील भाई से हैदराबाद ट्रेनिंग में गए का सिस्टम।